पटना पुलिस ने बुधवार की देर रात दीघा थाना क्षेत्र से बीजेपी नेता को कोका कोला एजेंसी ने छापेमारी कर शराब की बड़ी खेप बरामद किया है। पुलिस ने बीजेपी नेता के कोका कोला एजेंसी में रेड किया तो कीमती शराब के 17 बड़ी बोतल बरामद किए गए। तस्करी से जुड़े 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस बीजेपी नेता की गिरफ्तारी में विभिन्न जगहों पर रेड किया। बीजेपी नेता की पत्नी दीघा पश्चिम से वार्ड पार्षद है और हाल ही में उप मेयर की चुनाव लड़ चुकी हैं जिसमें वो हार गई हैं। बता दें आपको कि शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना पुलिस ने दीघा थाना अध्यक्ष को सूचना मिली कि दीघा स्थित कोका कोला एजेंसी से विदेशी कीमत शराब की तस्करी की जा रही है। वरीय पुलिस अधिकारियों को सूचना दिए हुए थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिन्हा ने भारी पुलिस बल के साथ कोका कोला वाले एजेंसी पर रेड किया। पुलिस को देखते ही लोग इधर उधर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर 7 लोगों को दबोच लिया। वहीं कई भागने में कामयाब रहे लेकिन पुलिस के हाथ CCTV लग गई। पुलिस ने कोका कोला एजेंसी में तलाशी लेना शुरू किया तो कीमती शराब 100 पाइपर और रॉयल स्टेज की 17 बड़ी अंग्रेजी शराब बरामद किए गए। गिरफ्तार लोगों ने पुलिस को बताया कि कोका कोला एजेंसी बीजेपी नेता सपूर्व मुखिया नीलेश यादव उर्फ नीलेश मुखिया का है। सूत्रों की माने तो नीलेश मुखिया पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे लेकिन पुलिस का कहना है कि कोका कोला एजेंसी नीलेश यादव का है और इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपको ये बताते चले कि एजेंसी को फिलहाल के लिए सील कर दिया गया है। सर आज भी सघन छापेमारी की गई शराबबंदी को लेकर कितने लोग धराए हैं? शराबबंदी में आज जो है छापेमारी की गई है क्योंकि सूचना मिली थी कि जो है कुछ लोग जो है कोको कोला एजेंसी में बैठ करके शराब पी रहे। वरीय अधिकारी के निर्देशानुसार जो है वहाँ छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में जो है मैनेजर सहित जो है 7 लोग पकड़े गए। मालिक जो है उसमें फरार हो गया है। मालिक भी वहाँ होने की सूचना मिल रही थी लेकिन उन परिस्थितियों में मालिक फरार है। वर्तमान स्थिति में 7 लोग पकड़े गए हैं जिसमें जो है अंग्रेजी शराब भी पकड़ी गई है। अंग्रेजी शराब में जो है 100 पाइपर्स और रॉयल स्टेक भी पकड़े गए हैं। मालिक का क्या नाम हुआ था? मालिक उनके मैनेजर के द्वारा जो बताया जा रहा है और गार्ड के द्वारा बताया जा रहा है कि मालिक जो है नीलेश कुमार है। उन पर भी जो है कानूनी कार्रवाई की जा रही है। FIR दर्ज सीजर बना करके जो है FIR दर्ज की जा रहा है और उसके उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जा रही है। थैंक यू। और कौन सा कार्य करना है?